वसई विरार और महाराष्ट्र की जनता को अभी तय करना होगा कि उन्होंने मूर्ख मंत्री चुना है या मुख्यमंत्री चुना है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दोस्तों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और जहां 15 अगस्त के दिन देश आज से 78 साल पहले आजाद हुआ था उसकी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन यहां आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग जो है वो निषेध आंदोलन करके एक माने में ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि अभी भी आज़ादी मिलना बाकी है। तो जानते हैं इनको किस तरह की आज़ादी चाहिए, क्या विषय है। हमारे साथ अधिवक्ता अशोक वर्मा जी हैं जो काफ़ी समय पहले भी इस तरह के आंदोलन कर चुके हैं। उनके सहयोगी अधिवक्ता अनिल जी है, गुप्ता जी है, बाकी पूरी टीम है। तो वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, आज फिर 15 अगस्त आया, फिर आप यहाँ बैठे हो, क्यों बार बार ये नौबत आ रही है? नमस्कार, सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं सभी को, आपके दर्शकों को। आज से 78 साल पहले जो देश हमारा आजाद हुआ, उसमें हमको स्वराज्य मिलना था, स्वराज्य मीन्स जनता का राज्य मिलना था, लेकिन वो उल्टा गया, डायरेक्शन बदल गया। यहाँ पे राज्य होगा ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का, जो सत्ता में बैठे है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात भी पुलिस नहीं मानती है, अधिकारी नहीं मानते हैं। अभी एक जजमेंट हुआ 2022 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था। इसमें उन्होंने बोला कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज लगने चाहिए और उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए वो कम से कम 18 महीने की होनी चाहिए, और यदि किसी कंडीशन में 18 महीना संभव ना हो तो कम 12 महीना तो होना ही चाहिए, ऐसा उस जजमेंट में। लेकिन अभी एक अचोले पुलिस स्टेशन में घटना हुई, मां बेटे को मारा गया और मारने से पहले सीसीटीवी बंद किया गया, और जब ये लोग को जेल भेजा गया, वहां से वो लौट के आते, आरटीआई डालते, तो आरटीआई में उत्तर मिलता है कि हमारे पास सिर्फ 17 दिन का बैकअप है। तो कहां 18 महीना और कहां 17 दिन? इसका मतलब ये लोग सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की सर्वोच्च न्याय संगठना है, इंस्टीट्यूशन है, उसकी भी बात ये लोग लागू नहीं कर रहे। तो देश में कैसी आजादी जब हमारा संविधान नहीं लागू हो सकता है, जब हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय कुछ बोलता है उसके दिशा निर्देश नहीं लागू हो सकते हैं, तो क्या हम इसको आजादी माने? बिल्कुल नहीं मान सकते। यहाँ हम बोले सो कायदा। दूसरा मैं एक प्रकरण आपको बताना चाहूंगा कि 12 अगस्त को मीरा बहेंद्र वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी होम ने एक मनाही आदेश जारी किया जो कि 13 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक लागू है। उस मनाही आदेश में जो जो कंडीशन डाली गई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, उस आदेश में ऐसा है, उसके अनुसार तो मैं 15 अगस्त भी साजरा नहीं कर सकता, तो कैसी आजादी है? एक किस तरह का मनाही आदेश है वो डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे? उसमें लिखा है कि आप घोषणा नहीं दे सकते हैं, आप गाने नहीं बजा सकते हैं, आप 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अभी ये 15 अगस्त, उसको अगर इनको मनाही आदेश बहुत जरूरी था तो इनको लिखना चाहिए 15 अगस्त छोड़ के, या 15 अगस्त के कार्यक्रम छोड़ के, या 15 अगस्त के कार्यक्रम अलाउड है, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें मेंशन है। और आगे अभी एक त्योहार आ रहे है, आपकी दही हंडी आ रहा है, गणपति आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, फिर ये कैसे आया होगा जब तक ये मनाही आदेश लागू रहेगा? तो मनाही आदेश एक तरह से डिक्टेटरशिप है, पुलिस स्टेट की निशानी है कि हमारा देश अब जन राज्य नहीं बन चुका है, ये पुलिस स्टेट बन चुका है कि जो पुलिस बोलेगी वो फायदा होगा। अब मैं आपको एक और आगे थोड़ा सा बात बढ़ाता हूँ, अगर न्यू वीना सोसाइटी में हमारी FIR पुलिस लिखती तो अर्नाला का जो कांड हुआ, गैर कानूनी कांड, जो वहां पे 16 घंटे के अंदर में मुख्यमंत्री के आदेश पे महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार ने बिना कानून का पालन किए वो बिल्डिंग को गिराया या वो रिसोर्स को गिराया, उसकी प्रक्रिया थी। लेकिन इसमें महानगर पालिका का ऐसा कहना है कि हमारी तो कार्यवाही नहीं, हमने तो उसको मनुष्य बल दिया है, ये कार्यवाही तहसीलदार, उनका ये कहना है कि वो पीटी महसूल खाता है। ठीक है ना, अगर महसूल काटा ने किया तो तुमने मनुष्य बल क्यों दिया गैर कानूनी काम करने के लिए? मतलब अगर मैं डकैती डालने जाऊं और आप अपने आदमी दे दो कि डकैती डालो जाके, इसको क्या बोलेंगे? ये अनिल पवार आदमी महामूर्ख आदमी है, अभी इसको सोचना चाहिए कि अगर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए रेलवे वाले भी अगर तुमसे मनुष्य बल मांगते है तो तुम दे दोगे क्या? मैं बोलता हूँ मैं डकैती डालने में जा रहा हूँ, हमको 6-50 आदमी जो दीवार तोड़े, लोगों को मर्डर करे, तो दोगे क्या तुम? तो ये जो है ना बेकूफी भरा उत्तर है, आपने गैर कानूनी कृत्य में सहभाग किया, आपका गुनाह है, आपने गुनाह किया, और यदि पुलिस इसका कॉग्निजेंस ले ले, इनकी जरूरत नहीं होगी। अगर मान लो माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुखिया हैं,
उन्होंने अगर कोई आदेश दिया था तुमको, तो तुमको कानून की कक्षा में रहकर उसके अमल पर कार्रवाई करनी है। हम बोले से कायदा ऐसा होगा क्या? लेकिन पुलिस ने भी वही किया जो महानगर पालिका ने किया, पुलिस ने भी उनको प्रोटेक्शन दिया। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, महानगर पालिका भी, पुलिस प्रशासन बहरा और शासन गंगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सबकी संगम मत है कि एक गैर कानूनी काम करेगा उसको सब लोग सहयोग देंगे, और फिर जब पब्लिक उससे निराश होती है तब जो है जब पुलिस स्टेशन जाएंगे तो सुनेंगे नहीं, बहरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रशासन के पास कोई सुनवाई नहीं होगी। जो बात आपने कड़े शब्दों में कही, अगर उसको सरल शब्दों में कहा जाए तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि कानूनी प्रक्रिया का जो पालन किया जाना चाहिए। जैसे कहीं शिकायतें होती है, लोग बार 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 अनाधिकृत बांध काम पे अभी कार्रवाई हुई उसको लेकर बार 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 कोर्ट तक चले जाते हैं, वहां से आदेश होने के बाद भी महानगर पालिका कहीं ना कहीं घुमाती है कि इस तरह से परेशानियां हैं नहीं, और यहाँ मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक फोन कर देते हैं तो कोई कानून का पालन नहीं किया जाकर किया जाता है, वो सरासर गलत है। हमने भी अपनी खबर में पहले ये बात बताई है कि ठीक है, एक अगर मुख्यमंत्री महोदय को तत्कालीन समय पर अपनी राजनीति चमकाने दी, उन्होंने चमकाया, लेकिन प्रशासन को धैर्य से काम करना चाहिए था। अब बड़ा ही वर्मा जी ने जिस तरह से अंडाला का जिक्र किया, मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम से रिएक्ट किया, महानगर पालिका ने उस रिएक्शन का भरपूर सहयोग किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने, आयुक्त ने, तहसीलदार ने, पुलिस ने जो काम किया है उस तरह से गैर कानूनी है। अभी तक आप देखते आ रहे थे यूपी में, बिहार में, जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे बुलडोजर राज चल रहा था, मध्य प्रदेश भी जहाँ बुलडोजर राज चल रहा था, बिना किसी कारण के किसी भी मुस्लिम का घर तोड़ देते थे, उसी तरह का बुलडोजर राज हमारे वसई विहार में आए, और ये बहुत ही घातक है। हम महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर हुए हैं, जहाँ पे गांधी जी ने अपना कार्य स्थल इसको बनाया है, महाराष्ट्र को बनाया, जहाँ शिवाजी महाराज ने अखंड स्वराज्य की निर्मित की है, वैसा ये महाराष्ट्र है जहाँ आरक्षण की जनक छत्रपति शाहू महाराज है, जहाँ प्रबोधनकार ठाकरे है। इतने बड़े महाराष्ट्र में इस तरह से बेकायदेशीर काम करना, इस तरह से गैर कानूनी काम करना, रातों रात किसी का आशियाना तबाह कर देना, ये बहुत ही घिनौना काम यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है। मेरा मुख्य सवाल ये है कि क्या इसमें मुख्यमंत्री की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा थी? देखिए, अभी मैं तो कहूंगा कि जो ये मुख्यमंत्री है, ये एक एक इसकी तरह, मतलब एक हम किसी का बदला लेने की तरह जो हम काम करते हैं ना, कि बदला लिया, मेरे पदाधिकारी को किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसका सब कुछ उद्ध्वस्त कर दूंगा। यहाँ पे आप इसके पहले भी इस रिसोर्ट में असंख्य बच्चे, महिलाएं, कोई डूब के मरा है, कोई एक्सीडेंट होके मरा है, तभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। हम नहीं ये बोल रहे कि ये रिसोर्ट को बचाया जाए, जो अनाधिकृत है उसे तोड़ दो, बस हम इतना ही कह रहे हैं कि जो कायदेशीर प्रक्रिया है, जो कायदा है, कायदा कहता है उस कायदे से आप काम करो। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी है, तो इस डेमोक्रेसी के तहत, इस लोकशाही के तहत आप काम करो। मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो एक बदले की भावना है, और अपनी जो एक सत्ता है, अपनी एक ताकत, एक नशा होता है ना सत्ता का, वो नशे में ये काम किया उन्होंने। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? आज बैठे वसई विरार और महाराष्ट्र की जनता को अभी तय करना होगा कि उन्होंने मूर्ख मंत्री चुना है या मुख्यमंत्री चुना है। ये जो कार्रवाई एकनाथ शिंदे ने करवाई है, ये कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर होता तो ऐसा गलत एक्शन कभी नहीं लेता। कानून का राज कायम होना चाहिए हर हालत में। आज जो हमारा आंदोलन 55 दिन चला था, और आज जो ये सांकेतिक हड़ताल है, ये कानून का राज कायम करने के लिए किया गया। एक मुख्यमंत्री जो होता है, राज का जिम्मेदार नागरिक होता है, फर्स्ट नागरिक होता है, उसके द्वारा ये घृणित कार्य जो किया गया है, और उसमें जो सहयोग दिया बीबीएमसी कमिश्नर ने और पुलिस प्रशासन ने, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और महाराष्ट्र की जनता को उसमें आह्वान करता हूँ कि अगले आने वाले इलेक्शन में एक मुख्यमंत्री चुने, न कि मूर्ख मंत्री चुने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये हम बात कर रहे थे वर्मा जी से, अच्छा अनिल चौहान जी से, इन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी। आज एक दिन का इनका सांकेतिक फिर से आंदोलन है, इसके पहले लगातार 52 दिन तक इन्होंने आंदोलन किए थे, और आप सभी ने हमारे चैनल पर इनकी पूरी कवरेज देखी है। पिछले 26 जनवरी को तो यहाँ बकायदा इसी समय एक संविधान प्रेमी काम अंजाम दिया गया था, और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से देश में जो चल रहा है, खासकर महाराष्ट्र में,
महाराष्ट्र की राजनीति में और वसई विरार में जो चल रहा है उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम गंभीर होने ही है, इसका एहसास भी हर किसी को है। देखते हैं आगे क्या होगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।